नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। मुनव्वर राना मशहूर शायर हैं, चर्चा में हैं। किसी शायरी की वजह से नहीं बल्कि फ्रांस पर अपने दिए गए बयान की वजह से। उन्होंने फ्रांस हमले में बेगुनाहों की हत्या करने वालों का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि किसी का कत्ल करना सही नहीं। जी न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, अभी कोई शख्स मेरे बाप का कार्टून ऐसा बना दे गंदा, मेरी माँ का कोई ऐसा गंदा कार्टून बना दे तो हम तो उसको मार देंगे। अगर हमारे हिंदुस्तान में हमारे किसी देवी देवता का, माँ सीता का, भगवान राम का ऐसा कोई कार्टून बना दे जो गंदा हो, आपत्तिजनक हो, अफसोसजनक हो, जिसे देखकर बेहयाई होती हो, आँखें बंद करने का जी करता हो, हम उसको मार देंगे। जब हिंदुस्तान में 1000 सालों से ऑनर किलिंग को जायज़ मान लिया जाता है, तब कोई सज़ा नहीं होती है, तो आप उसको नाजायज़ कैसे कह सकते हैं? या तो आप इन सबको भी लिख कर दीजिए कि ये गलत हुआ है और सब पकड़े जाएंगे, या ये कहिए कि जो यहाँ हो रहा है वही वहाँ हो रहा है, पूरी दुनिया में यही हो रहा है। इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई थी 16 अक्टूबर से। फ्रांस के पेरिस शहर में शुक्रवार 16 अक्टूबर को 18 साल के आरोपी ने एक शिक्षक सैमुअल पैटी का गला काट दिया था, क्योंकि टीचर ने क्लास में अभिव्यक्ति की आज़ादी समझाने के लिए पैगंबर मोहम्मद का कैरिकेचर दिखाया था। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इसे इस्लामिक आतंकी हमला करार दिया था। इसके बाद 29 अक्टूबर को फ्रांस के नीस नामक शहर के गिरजाघर में घुसकर एक हमलावर ने 3 लोगों की हत्या कर दी। हमलावर ने चाकू से एक महिला का गला काट दिया और 2 अन्य लोगों की हत्या कर दी। हमलावर ने जब महिला का गला काटा, उस वक्त वो अल्लाह हू अकबर चिल्ला रहा था। आतंकवाद निरोधक विभाग के अधिकारी जीन फ्रेंकोइस रिचर्ड ने बताया कि गुरुवार को जिस हमलावर ने चाकुओं से हमला किया था, वो ट्यूनिशियाई नागरिक था। उसका जन्म 1999 में हुआ था और यूरोप सितंबर महीने में आया था। इस हमले की निंदा करते हुए राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा था, इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिससे आज पूरी दुनिया संकट में है। बयान के बाद से वे मुस्लिम देशों की आलोचना का शिकार हो गए हैं। इस तरह के प्रदर्शन भारत में भी हो रहे हैं। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी उमा ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। लल्लन टॉप लटक शॉर्ट्स, यहाँ आपको मिलेगा किसी गवैये का गाना। अमन है इश्क मस्ताना, अमन को होशियारी क्या। किसी मस्त मौला का इंस्ट्रूमेंट्स बजाना। किसी कवि की नाजुक कविता। देखो मैं तो बतला भी दूं, पर वतन ही बेकल है थोड़ा, जो उसके मेरे बीच में है वो इश्क पर्सनल है थोड़ा। किसी मुंहफट कॉमिक की तीखी कॉमेडी और ऐसी ही ढेर सारी परफॉर्मेंसेस के छोटे छोटे शॉर्ट्स। दूसरों के हुनर देखें, अपने हुनर दिखाएं। फॉलो कीजिए लटक को इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर। अपनी परफॉर्मेंस हम तक पहुंचाने के लिए मेल कीजिए latak.lallantop@gmail.com। तो सुकून के लिए भटक मत, लटक।